आपका न्यूज़ फॉर भारत में मैं आपके साथ खुशबू सांगवी। अगर आपके मोटर वाहनों के भी कागजात दुरुस्त नहीं हैं, जैसे प्रदूषण इंश्योरेंस, हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस आदि, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किए जाने का भी प्रावधान है। आपको बता दें कि नियम के आने के बाद जहाँ वाहन चालकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है, वहीं इसे पुख्ता करने के लिए प्रशासन भी काफी सख्त हो गई है। ये अलग बात है कि नियम के तहत चालान की मोटी रकम वसूली जा रही है, लेकिन इससे सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के आंकड़ों में काफी कमी आई है। इस बीच मोटर वाहन परिचालन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस को आधार नंबर से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि इस नियम के लागू होने के बाद जब एक बार आपका लाइसेंस जब्त हो जाएगा तो दोबारा बनवाना काफी मुश्किल हो जाएगा। जी हां, पटना में 10वें आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन करने के मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश में आधार आने से भ्रष्टाचार में कमी आई है और अब इसे ड्राइविंग से जोड़ा जाएगा तो दूसरे का लाइसेंस बनवा कर गाड़ी चलाने वालों की भी कमी आएगी। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि अगर आप तमाम जागरूकता और कड़े नियमों के बावजूद भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने से बाज नहीं आ रहे तो आपको बनना पड़ेगा समाज सेवी। जी हां, सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के तहत बार बार इस कानून का उल्लंघन करने पर सजा के तौर पर आपको वृद्धाश्रम में सेवा करनी पड़ सकती है। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर भारत। धन्यवाद।